उत्तराखंड में कांवड़ मेला शुरू होने वाला है। कांवड़ मेले में आने वाले कांवड़ियों को कोई भी परेशानी ना जाए, इसके लिए एसएसपी नवनीत भुल्लर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि भीड़ और ट्रैफिक को सूझबूझ से नियंत्रित रखें, कांवड़ियों की सुरक्षा सुविधाओं का पूरा ध्यान रखें। नीलकंठ की कांवड़ यात्रा में इस बार 1 करोड़ कांवड़ियों के आने की उम्मीद है, इसलिए जनपद टिहरी के एसएसपी नवनीत भुल्लर सुरक्षा की दृष्टि से किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। उन्होंने कांवड़ यात्रा के शुरू होने के 1 दिन पहले ही मुनि की रेती के गंगा रिजॉर्ट में कांवड़ मेले के लिए ड्यूटी पर आए पुलिस कर्मियों को ब्रीफ किया। एसएसपी ने कहा कि ये पुलिस कर्मियों की जिम्मेदारी है कि किसी भी रूप से भीड़ क्षेत्र में रुकनी नहीं चाहिए, खासतौर पर रामझूला और जानकी पुल पर भगदड़ की आशंका बनी रहती है, इसलिए भीड़ और ट्रैफिक को सूझबूझ से नियंत्रित करना है। इसका नाम चूंकि लक्ष्मण झूला प्रयोग में नहीं है तो काफी सारा लोड राम झूला पे आ जाता है, और राम झूला और जानकी सेतु इन दोनों को वन वे करा गया है। और राम झूला जो टिहरी गढ़वाल मुनि की रेती से जो श्रद्धालु आएंगे और उनको लक्ष्मण झूला और नीलकंठ महादेव की तरफ जाना है तो राम झूला होगा वन वे उनके लिए, और वापसी जिनकी होती है वो लक्ष्मण झूला से मुनि की रेती की तरफ आना है तो जानकी सेतु का प्रयोग करेंगे। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।